हेलो यू पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खुशी हेयर। सो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपको कौन सी बैंक अकाउंट यू नीड टू चूज फॉर गेटिंग योर स्टाइफंड और एल्स सैलरी। सो आज की इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाली हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। ऑल्सो आपको हेल्पफुल लगती है आज की इस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं रख देती हूँ कौन से बैंक ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इनकेस अगर आपके कोई भी अकाउंट है इसके अंदर तो यू कैन डायरेक्टली लिंक दैट ICICI बैंक, SBI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पर रख देती हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर। सो अगर आपका अकाउंट है, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा सेविंग्स है तो यहाँ पे हमको सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? तो हाँ, ऑफ कोर्स आपको सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट अलग होता है, सैलरी का अकाउंट यू नो अलग होता है। अगर आपको हर महीना कुछ ना कुछ अमाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, तो उनमें से अगर सैलरी का होता है तो कटिंग्स का डिडक्शन टैक्स कुछ होता है ना, तो वो आपको यू नो मिल के आता है। इवन इफ इट इज़ अ सेविंग्स अकाउंट तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यार, चेंज करने के लिए आपको बैंक को जाना पड़ेगा। इफ़ नॉट, आप एक बार कंसर्न HR डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हो, क्योंकि मेरा तो सैलरी का ही अकाउंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो मैंने डायरेक्ट लिंकअप कर दी थी। तो यहाँ पे अगर आपका सेविंग्स है तो सेविंग्स भी यू नो समटाइम्स कंपनी जो भी बैंकिंग टीम होती है एक्सेप्ट नहीं करती है, वहाँ पे आपका डिक्लाइन आ जाता है। जैसे कि आप पोर्टल में पूरा यू नो डिटेल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे एंटर करते हो तो पूरा आपका इन्फॉर्मेशन बैंक टीम के पास चला जाता है। बैंक टीम पूरा चेक करने के बाद वो वेरीफाई करते हैं अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, उनको वहाँ पे सैलरी अकाउंट चाहिए, तो उन केसेस में आपका डिक्लाइन हो सकता है। डिक्लाइन होने के बाद फिर से इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, तो इसलिए मेक श्योर जो भी आप डिटेल्स देते हो यू नो पोर्टल पे रखते हो ना, PaySHR पोर्टल पे, उसी से पहले आप पूरा यू नो कंफर्म कर ले कि सब कुछ आपके पास है, अकाउंट है, अकाउंट का नंबर आपका ही है एंड सब कुछ यू नो आपका नेम पे ही सब कुछ होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग का अकाउंट नहीं है तो हम मदर फादर के अकाउंट दे सकते हैं क्या? नहीं गाइस, आपका नेम है तो आपका ही अकाउंट होना चाहिए, वो भी सैलरी अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करने से आपका पूरा यू नो सैलरी का जो होता है ना, पूरा विदाउट एनी डिले पूरा अच्छे से ऑन टाइम हो जाता है, ठीक है। तो ये है गाइस छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग दी यू नो बैंक टॉपिक्स एंड ऑल जो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा आज की इस वीडियो। जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।